इंदौर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पंजाब से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को कई बार चुनौती दे चुका था। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दरअसल राव पुलिस को पीएससी की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पीएससी की तैयारी के दौरान उसकी दोस्ती आरोपी प्रिंस राजपूत निवासी मिर्जापुर से हुई थी। आरोपी ने पीड़िता को झांसा देकर किराए के कमरे में शादी का वादा कर रखा और कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान आरोपी पुलिस की सूचना मिलने पर मौके से फरार हुआ। आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस उसके घर उत्तर प्रदेश तक पहुंची, लेकिन आरोपी के परिवार ने आरोपी को वहां से भी भगा दिया था। आरोपी के परिवार राजनीतिक दबाव बनाकर पुलिस के शिकंजे से आरोपी को बचाने का प्रयास करते रहे। आरोपी और उसके परिवार ने पुलिस को चैलेंज तक कर दिया, उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तकनीकी मदद लेना शुरू की, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पंजाब के डेरा बस्ती गुलाबगढ़ में अपनी पहचान छुपाकर घूम रहा है। पुलिस ने 5 दिन तक वहीं डेरा डाला और आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें राऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपराध 2022 में पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फरियादिया के साथ दुष्कर्म करना और SC/ST की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध था। इसमें जो मुख्य आरोपी था प्रिंस राजपूत, ये यूपी में बिदोनी का रहने वाला था। यहाँ पर UPSC की तैयारी करने के हिसाब से यहाँ आया था और फरियादिया भी UPSC की कोचिंग में ही उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसने ये अपराध कारित किया था। पिछले एक साल से अधिक समय से इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। करीबन 5 बार टीम जो है वो बिदौनी गई, परंतु राजनीतिक परिवेश से होने के कारण और परिवार की अच्छी राजनीतिक पकड़ होने के कारण यूपी में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अमूमन ये जब हमने घरों में दबिश दी तब भी हमें घरों पे नहीं मिला। जहाँ इसके रहने के ठिकाने थे वहाँ पर भी 2-3 बार दबिश दी गई, परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर इसके हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई और ये सूचना हमें जब हमारी डिजिटल जन सुनवाई चल रही थी उसमें महिला के द्वारा दी गई, जिसमें इस आरोपी का एक आधार कार्ड नंबर उसने दिया, जो उसका कहना था कि इसने पहले कभी उसको बताया था। उस आधार कार्ड के माध्यम से हमने पता लगाया कि क्या इसमें कोई नई सिम चालू हुई है या नहीं। तो इसमें पंजाब की एक दुकान में 6 महीना पहले एक नई सिम परचेज़ की गई थी, जो कि तुरंत यूज़ करने के बाद बंद कर दी गई। उस सिम की दुकान पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर नई सिम खरीदने के बहाने से हमने उनसे जब पूछताछ की, बातचीत की, तो उसके बाद वहां से पता चला कि 6 महीना पहले जो संदेही आरोपी था हमारे केस में, उसके द्वारा एक सिम परचेज़ की गई थी, परंतु उसके बाद से उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सिम परचेज़ करने के लिए जो उसने एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया था वो एक वहीं पंजाब के लोकल आदमी का था, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में जाके जब हमने नौकरी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि संदेही को शक हो कि पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है, तो उस फैक्ट्री में हमारी टीम ने जाके नौकरी के लिए प्रयास किया और ये प्रयास किया कि उनको भी नौकरी मिल सके। तो वहाँ पर जब देखा गया तो उस समय संदेही नहीं मिला, पर संदेही का जो दोस्त था उसके माध्यम से एक ऑल्टरनेट नंबर मिला, जो कि उस समय UP बनारस के आसपास चल रहा था। तो पुलिस टीम ने वहीं पर वेट किया, उस पूरे एरिया की रेकी करी। रेकी करने के बाद ये निश्चित कर लिया कि अगर संदेही आएगा तो किस किस क्षेत्र में हो सकता है। फिर उसके बाद इंतज़ार किया। करीबन 15 दिन बाद जब संदेही वापस पहुंचा तो फिर नौकरी मांगने के नाम से पुलिस के 2 कर्मचारी थे उन्होंने फैक्ट्री में अंदर गए, वो रहे। जब आरोपी की संदेही की जो शिफ्ट शुरू होने वाली थी तब वो मिला, उसको वहाँ से फिर पकड़ा, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आए, फिर उसकी विधिवत गिरफ्तारी कर उसको अब न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।